साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। ये तो सभी जानते हैं कि आदित्य ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत का मुख्य चेहरा हैं। अपनी पार्टी में तो फेमस हैं ही, मगर विपक्षी दलों और सत्ताधारी पार्टियों के लिए भी मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे लगातार हिंदूवादी कदम उठा रहे हैं जिससे कई दलों को परेशानी हो रही है। मगर अब आदित्य ठाकरे को भी परेशानी होने लगी है और वो भी चाचा संजय राउत से। जी हाँ, नाइट पार्टीज के शौकीन आदित्य ठाकरे राउत के नियम कायदों से आजीज जा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और ये खुलासा किया है बीजेपी नेता नीतीश राणे ने। तो क्या कहा राणे ने आदित्य की नाइट पार्टी पर? राउत क्यों कर रहे हैं रोकाटाकी और क्यों परेशान हो उठे आदित्य ठाकरे, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को डुबोने का काम किया है, इसी वजह से जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाया। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की सेना में लोगों ने संजय राउत मुक्त यूबीटी का नारा लगाया है। यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे और उनकी नाइट गैंग भी संजय राउत से ऊब चुकी है और वो भी यूबीटी को संजय राउत से मुक्त कराना चाहती है। जी हाँ, नीतीश राणे ने आगे कहा कि ये तो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है कि जूनियर ठाकरे नाइट पार्टीज के कितने बड़े शौकीन हैं। बॉलीवुड में उनकी पूरी मंडली है और उनकी अपनी नाइट पार्टी करने वाली गैंग भी है जो रोजाना लेट रात को पार्टी करने के लिए निकल पड़ती है। राणे ने आगे कहा कि अब चुनाव करीब आ रहे हैं तो चाचा संजय राउत आदित्य ठाकरे की नाइट पार्टी को बंद करवाना चाहते हैं, लगाम लगाना चाहते हैं, मगर आदित्य ठाकरे किसी भी कीमत पर अपनी मौज मस्ती को बंद नहीं होने देना चाहते। इसीलिए खुद आदित्य ठाकरे अब कोशिश कर रहे हैं कि यूबीटी कैसे भी संजय राउत से मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए। राणे ने यहाँ पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे देश कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है, वैसे ही आदित्य ठाकरे राउत मुक्त पार्टी चाहते हैं ताकि वो बिना किसी लगाम के अपनी मौज मस्ती कर सके, नाइट पार्टी में पैसा उड़ा सके। राणे ने तो ये भी कहा कि आदित्य ठाकरे किसी भी कीमत पर अपनी नाइट गैंग को छोड़ नहीं सकते, चाहे चुनाव की बात हो या जनता की भलाई की, आदित्य ठाकरे किसी भी कीमत पर रात को लेट पार्टी करना नहीं छोड़ेंगे और संजय राउत की लगातार रोका टोकी से परेशान होकर संजय राउत को ही यूबीटी से बाहर करना चाहते हैं। राणे ने यहाँ पर साफ कहा कि आदित्य ठाकरे लगातार संजय राउत के खिलाफ होते जा रहे हैं और एक दिन ये दोनों मिलकर उद्धव ठाकरे की बची कुची सेना को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इनके रंग ढंग से बचे कुचे लोग भी उद्धव ठाकरे की सेना को छोड़कर चले जाएंगे और उद्धव ठाकरे का नाम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो नीतीश राणे के इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे राउत मुक्त यूबीटी चाहते हैं या फिर ये सब आरोप बीजेपी के मनगढ़ंत आरोप है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।